हम इस वक्त रामपुर रेलवे जंक्शन पर खड़े हैं। यहां से हम बरेली की यात्रा करेंगे। विकास की रफ्तार पहले और अब की सरकार में क्या अंतर देखती है? विकास की रफ्तार पिछली सरकार की तुलना में तो अच्छा लग रही है। कई सारे नंबर दिए गए हैं, महिलाओं के अलग नंबर दिए गए हैं, बूथ बनाए गए नए नए, जिस बच्चों के लिए अलग बूथ बनाए गए हैं, ये सारी सुविधाएं की गई हैं। अरे बदलाव बहुत अच्छा है, सब चीज मिल रही है खाने पीने का। पहले लोग घरों से निकलने थे डरते थे, आज खुले हम कहीं भी जाएं रात के 1-2 बजे स्वच्छ बिल्कुल आराम से जाते हैं। 100% योजनाओं का लाभ गाँव गरीब किसान मजदूर को मिल रहा है। हमारी सरकार जो है वो काम अच्छा कर रही है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। हम इस वक्त रामपुर रेलवे जंक्शन पर खड़े हैं। यहां से हम बरेली की यात्रा करेंगे। हमारी ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है। झुमको के शहर में हम करेंगे चुनावी गपशप, जानेंगे वहां के लोगों का मिजाज, परखेंगे वहां की राजनीति को और समझेंगे सियासी समीकरण को। चुनावी गपशप की टीम रामपुर जंक्शन पर है। हमारी ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है। हम प्लेटफॉर्म पे मौजूद कुछ यात्रियों से चुनावी गपशप करते हैं। बैठते हैं यहाँ, इनसे करते हैं चुनावी गपशप। जी, आपका नाम? मंगूलाल। मंगूलाल जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। थैंक यू सर। हम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। यस सर। क्या लगता है विकास की रफ्तार पहले और अब की सरकार में क्या अंतर देखते हैं आप? विकास की रफ्तार पिछली सरकार की तुलना में तो अच्छा लग रही है। काम हो रहा है, जनता के लिए काम हो रहा है, और मैं समझता हूं कि जनता उसी सरकार को पसंद करती है जिसके लिए कुछ काम किया जाए, उसको सुविधा मिले, अच्छा काम हो, सड़कें बने, विकास हो, तभी वो जनता पसंद करेगी, सरकार कोई भी हो। लेकिन जनता का मन यही है कि जो सरकार जनता के लिए काम कर रही है वो उसके लिए अच्छी है। और मेरा मानना है कि पिछले सालों में इस सरकार ने कुछ काम किया है और काम कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। किसी भी क्षेत्र में देखें, सड़कों का विकास है, राशन को लेकर के है, फ्री राशन मिल रहा है, और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जितने भी ये एक्सप्रेस वे हैं ये जनता के लिए तो है। आज कहीं अगर जाते हैं, दिल्ली से मान लिया बरेली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, तो उनमें देर लगती थी, आने वाले टाइम में एक्सप्रेस वे बहुत फ़ायदा देंगे, समय बचेगा, सुविधा रहेगी। तो मेरा मानना है कि इस सरकार में काम तो हुआ। विकास की बात करें तो विकास की रफ्तार कितनी तेज मानती हैं पिछली और इस सरकार की तुलना में? चल रहा है काम, चल रहा है, अच्छा चल रहा है काम। अभी जैसे और भी काम चल रहे हैं, सुन रहे हैं देश में, जो काम नहीं हुए थे पहले अब वो हो रहे हैं काम। जो काम पहले नहीं हुए थे अब हो रहे हैं देश में, ऐसा प्लेटफॉर्म पे मौजूद यात्रियों का कहना है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजवीर सिंह। राजवीर जी, क्या लगता है पहले और अब की सरकार में क्या अंतर देखते हैं? सर ठीक ठाक है, पहले से अब तो ठीक है, मगर प्रॉब्लम भी नहीं है, दिक्कत भी नहीं है। तो कोरोना की वजह थी जो आदमी परेशान हुआ, इसमें कोई नहीं, किसी सरकार की वजह थोड़ी है, ये तो भाई जो काम हुआ है ऊपर वाले की मर्जी थी, जो इसमें क्या कहते हैं कोरोना की जो बीमारी आई, अच्छे प्रधानमंत्री जी ने कोई अच्छा किया है, लॉकडाउन लगाया, कोई गलत नहीं लगा। राज्य की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जी, सुरक्षा की भावना कितनी बढ़ी है रामपुर में पहले और आपकी तुलना में? नहीं, अच्छी रही है, पहले से अच्छी रही है, गलत नहीं रही है साहब। पहले क्या होता था? पहले लोग लड़ाई डंडा मारा काटी ज्यादा रहती थी, हम लड़ाई डंडा और मारा काटी कम कर रखी है जी। हम चलते हैं कुछ और लोग से बात करते हैं, चुनावी मिजाज क्या है यहाँ का, यहाँ के आबो हवा में विकास का बयान कितनी तेजी से बह रहा है। हम लोगों से बात कर रहे हैं, चुनावी गपशप कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण क्या है। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अजय यादव नाम मेरा। अजय जी, पहले और अब की सरकार में क्या अंतर देख रहे हैं? बहुत सा अंतर है,
पहले की सरकार में सरकार में बहुत बड़ा अंतर है। आपकी सरकार में सबसे पहली बात तो ये है, जो स्टेशन है उनकी सफाई के बारे में बहुत ध्यान रखा जा रहा है, सफाई में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो प्लेटफार्म बने हुए हैं इन पे सफाई का विशेष ध्यान है और यात्रियों के आने जाने के लिए सुविधाएं हैं, नई ट्रेनें बढ़ाई गई और भी जो भी ये विकास की ओर रफ्तार बढ़ रही है, बदलाव है पहले से बहुत ज़्यादा। और बोलिए, हम ये जानना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर पहले और आपकी सरकार में क्या बड़ा अंतर देख रहे हैं? सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा अंतर है, कई सारे नंबर दिए गए हैं, महिलाओं के अलग नंबर दिए गए हैं, बूथ बनाए गए नए नए, जिस बच्चों के लिए अलग बूथ बनाए गए हैं, ये सारी सुविधाएं की गई हैं हर प्रकार से। सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है लोगों को? अब सरकारी योजनाओं का लाभ तो लोगों को मिलता है, लेकिन लोग मिलने के बाद भी बहुत लोग कहते नहीं मिलता है, वो तो अपनी अपनी वो है। अगर विकास की बात करें तो विकास की रफ्तार को कैसे देखते हैं आप, तेज या कम? बस ना ज्यादा तेज है ना ज्यादा हल्की है, जैसा होना चाहिए वैसी है फिलहाल, जैसा विकास होना चाहिए वैसा हो रहा है। अच्छा, अगर सुरक्षा की बात करें तो पहले और अब में क्या अंतर देखते हैं? नहीं, सुरक्षा तो काफी अच्छी है, काफी अच्छी सुरक्षा पिछली सरकार की तुलना में बात करें तो उससे भी बेहतर है। हमारी ट्रेन आ चुकी है, जम्मू तवी ट्रेन का नाम है, और इसी ट्रेन से हम रामपुर से बरेली का सफर तय करेंगे। तो आइए चलते हैं बोगी में और यात्रियों से करते हैं चुनावी गपशप। हम ट्रेन में चलते हैं और यात्रियों से चुनावी गपशप करेंगे, समझेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को। हमारा अगला पड़ाव सुरमा के शहर बरेली में है, हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग दूरदर्शन न्यूज़ चैनल से आए हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला, उसी को लेकर कुछ चुनावी गपशप हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। सीमा जी, महिलाएं कितना सुरक्षित हैं मौजूदा सरकार और पिछली सरकार में, क्या लगता है? बहुत बढ़िया है पहले से। हाँ, पहले से महिला लोग को बहुत मतलब सुविधा है, हर चीज का हेल्प दे रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो पहले और अब में क्या अंतर लगा था? सुरक्षा में यही बात के उतना जो मतलब पहले जो होते रहे वो नहीं थे, यहाँ ज्यादा सुरक्षित बा। हाँ, इस पर मतलब शासन व्यवस्था है। पहले जैसा माहौल रहे कि पहले हमनियों के सुनत रहनी सन जनत रहनी सन कि घर से निकलल शाम के बाद मना हो जाते रहे, वो दौर से गुजरल हो हम जी जी। अब में अंतर बा कि ना? बहुत के अंतर बा था, पहले के जो स्थिति या पोजीशन था, जो नियम कानून था वो आज नहीं है उतना, जो बेटी बहन सुरक्षित तो चल रही है वैसा दिक्कत नहीं है। सरकार ने उसको मतलब शासन कड़ा शासन व्यवस्था बनाया है, इस पर सुरक्षा गाइडलाइन किया है, वैसा कोई बात नहीं है। अगर हम विकास की बात करें, हाँ, तो विकास पहले से ज्यादा या कम है? विकास के बात कहा जाए तो पहले से ज्यादा ही है। हम कुछ और लोग से बात करेंगे, यहाँ यात्री ट्रेन में सफर कर रहे हैं, इनसे चुनावी गपशप चुनावी मिजाज जानना बेहद जरूरी है। जी, आपका नाम? जी, पंकज राय। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे पहले और आपकी सरकार में क्या अंतर महसूस हो रहा है? जी, पहले से तो मुझे तो बेहतर महसूस हो रहा है। क्या बेहतर लग रहा है? डिफेंस वगैरह के मामले में भी मैं देखा, बाकी जैसे आप बोल रहे थे डेवलपमेंट वगैरह भी पहले से ज्यादा ही है। इसके बाद जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम उठाए गए हैं। जी, और अगर विकास की रफ्तार की बात करें तो क्या लगता है पहले और अब में क्या अंतर दिखता है, क्या बड़ा बदलाव दिखता है? वो तो टाइमिंग के साथ लगभग हर चीज बढ़ेगी, विकास तो बढ़ेगा ही। जम्मू तवी एक्सप्रेस में हमारी टीम लगातार लोगों से चुनावी गपशप कर रही है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बात करें तो क्या लगता है पहले और अभी सरकार में क्या बड़ा बदलाव दिख रहा है? हमको तो लग रहा है कि उनका भी बहुत योगदान है, योगी का भी, तो इसलिए। आप मानती हैं कि महिलाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं? आप? हाँ जी, हम मानते हैं कि पहले से ज्यादा सुरक्षित है महिला। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो योजनाएं महिलाओं के लिए हैं, ग्रामीण हो या शहरी इलाका हो, जो उसके पात्रता में आते हैं, क्या उनको लाभ मिल रहा है इसका? सभी को मिल रहा है उनका लाभ, जिनको दे रही है सरकार उनको तो सभी को मिल रहा है लाभ। क्या लगता है पहले और अब की सरकार में क्या बड़ा बदलाव देख रही है?
हमें बहुत अच्छा लगता है कि लेडीज के लिए सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है, वो बच्चों के लिए भी प्रॉपर हो रहा है, लेडीज के लिए भी और लड़कियों के लिए भी प्रॉपर मिल रहा है उनको। महिलाओं के लिए जो सरकार की योजना है उनका लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, कहीं पे मिल रहा है तो कहीं पे नहीं मिल रहा है। कि कई बार क्या होता है कि जो आगे होते हैं वो ही खुद कर लेते हैं और जो जिनको पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच सकता है। लेकिन ज्यादातर योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। कुछ और लोग से बात करते हैं, इनसे जानते हैं। घबराइए मत, हम आप ही से बात करेंगे, आपसे चुनावी गपशप करेंगे। हम आप ही की तरह आम इंसान हैं। क्या नाम है आपका? विमलेश कुमारी। विमलेश जी, चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है पहले और अब में क्या अंतर लग रहा है आपको? सरकार के काम काज की बात करें तो क्या लगता है, क्या बड़ा बदलाव देखती हैं आप? अरे बदलाव बहुत अच्छा है। क्या अच्छा बदलाव है? अरे बदलाव बहुत अच्छा है, सब चीज मिल रही है खाने पीने का। महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बहुत बहुत महिलाएं सुरक्षित। अरे रंजना आप बात कीजिए, सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है लोगों को? बहुत मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, हर चीज मिल रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है या नहीं? बिल्कुल, किसानों को हर महीने के 500 रुपए महीना के उन्हें सम्मान निधि मिलती है, 2000 रुपए आते हैं ना उनके खाते में, 500 रुपए महीना है ना वो, है ना, ऐसा है ना जी, वो भी मिल रही है हमारे यहाँ, बहुत को मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। और शिक्षा के स्तर में कितना बड़ा बदलाव है? शिक्षा के स्तर में तो यह है कि बच्चे यदि पढ़ने वाले हों तो उन्हें कहम उन्नति का उनके लिए मार्ग सख्त है, क्योंकि हमारे घर में जो बैंक है वो भी लोन देते हैं पढ़ाई के ऊपर। मौजूदा सरकार ने, राज्य सरकार ने कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं, चाहे वो शिक्षा के स्तर पे हो, किसानों के स्तर पे हो, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हो, उनका लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल उनके खाते तो ऐसा है ना, पहले तो गर्म बंदर बांट हो जाते थे, अब बंदर बांट नहीं होते, अब जो गर्म सुचारू रूप से जो गर्म अलग किसी को फायदा मिलना वो उसके कर्म व्यक्ति को उसी को मिलेगा, नहीं कि जो के बिचौलिए थे बीच में वे बीच में खा लेंगे, वो काम खत्म हो गया। हमने ट्रेन में यात्रियों से चुनावी गपशप की, हम कुछ ही देर में बरेली जंक्शन पे पहुंचने वाले हैं, हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बरेली के गाँव और शहर में चुनावी मिजाज कैसा है। हम वहाँ लोगों से बात करेंगे और विकास की रफ्तार को परखने की कोशिश करेंगे। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम बैक, हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रामपुर से बरेली में ट्रेन की यात्रा के दौरान हमने यात्रियों से चुनावी गपशप की। इस वक्त हम बरेली के 79 गांव में हैं। इस गांव का इतिहास बेहद इंटरेस्टिंग है। 1857 के विद्रोह का यह गांव गवा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी सिंथेटिक फैक्ट्री सबसे पहले यहीं लगी थी। गाँव के लोग कुछ मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं, यहाँ के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें विकास की रफ्तार, विकास मॉडल, इस गांव को विकास का मॉडल भी कहा जाता है, विकास के लिए बड़ा मुखर है ये गांव। हमारी टीम जब यहाँ घूम रही थी तो लोगों ने कहा कि पिछले 5 सालों में यहाँ विकास की रफ्तार बहुत तेज़ हुई है, ये कितना सत्य है? ये जो सत्य है वो इतना मान लीजिए कि हम जहाँ खड़े हैं ये बाईपास एक नज़दीक है हमारा इस शहर का, ये कभी 1984 में कहीं पर पास हुआ था कभी भी, जो अब तक नहीं बना, जो आप देख रहे हैं चल रहा है बाईपास, ये इसी सरकार की देन है, इन्हीं कारणों से हुआ है। अच्छा, अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें
तो क्या लगता है महिलाएं कितनी सुरक्षित है? महिला इस समय 100% सुरक्षित है। इससे पहले जो महिलाएं और लड़की हमारी कॉलेज से निकलना भी दूर पड़ता था, अब निसंकोच रात में भी दिन में भी कहीं दवा लेने जाए कहीं जाए कोई डर नहीं है सरकार में। जी क्रांति का गवाह रहा है ये, विकास का गवाह भी बना है ये। विकास का बहुत बड़ा विकास है सर, यहाँ पर इतना विकास है कि आज इससे पहले जो ये बाईपास नहीं था तो इतनी भीड़ थी रोड गांव में होगा, जब जिसमें कस्बे होंगे निकलते थे तो आए दिन एक्सीडेंट होते थे। इस सरकार की इतनी बड़ी भूमिका रही है कि ये बाईपास जो बना है इससे जो बहुत बड़ी सुविधा हर गाँव वालों के लिए भी और पूरे कस्बा वालों को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ इससे। सरकारी योजनाओं का गाँव वालों को कितना फायदा मिल रहा है? जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, क्या वो गांव में लोगों तक पहुंच रही हैं वो योजनाएं? 100% योजनाओं का लाभ गांव गरीब किसान मजदूर को मिल रहा है। किन किन तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? गांव में अगर हम देखें तो पहले 2 या 3 घंटे बिजली आती थी पिछली सरकारों में, वो 18 से माननीय योगी जी की सरकार ने 18 घंटे बिजली देने का काम किया और 25 तारीख से उन्होंने घोषणा की है कि 24 घंटे बिजली मिलने का काम होगा। इससे गांव में रहन सहन में मूल चूल परिवर्तन आया है। दूसरा बड़ी योजना जो गरीब को मजदूर को भरण पोषण की गारंटी के आधार पे जो फ्री अन्न योजना मिल रही है, मुफ्त राशन जो मिल रहा है, वो गाँव गरीब मजदूर किसान के लिए एक तरह से आशीर्वाद है, क्योंकि जो कोरोना काल में वैश्विक महामारी थी इसमें सभी लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे और सरकार ने उस समय भी मुफ्त राशन देने का काम किया और अब जो राशन की किट में गेहूं चावल के साथ साथ रिफाइंड है, नमक है, दालें हैं इत्यादि चीज़ें दी जा रही हैं, वो निश्चित मान के चलिए कि गाँव में लोगों को बहुत राहत देने का काम किया है। शिक्षा का स्तर कितना सुधरा है पहले और अब? पहले अब में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जो पिछली सरकारों में स्कूलों की माली हालत बहुत ख़राब हुआ करती थी, सरकारी यहाँ स्कूल होते थे, बच्चे जाया नहीं करते थे क्योंकि वहाँ गंदगी और ये सारी व्यवस्था रहती थी। आपने पूर्व में देखा ही होता सरकारों में, वहाँ पर स्कूलों में जानवर बनने का काम होता था। इसी शिक्षा नीति को बदलाव में लाते हुए सरकार ने वहाँ पर नई व्यवस्था लागू करी, व्यवस्थित करा टीचरों का, सुनिश्चित करा आना जाना, सारी व्यवस्था लागू करी, उसी के हिसाब से गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। क्या भ्रष्टाचार, क्या आज भी वो पैसे की मांग करते हैं वो लोग? बस ओपनली नहीं करते, नहीं है, थोड़ा घुमाने फिराने कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम करना पड़ता है बिना पैसे लिए। अच्छा, मतलब उनको काम करना पड़ता है बिना पैसे लिए। हाँ। यानी एक तरह से कहे कि भ्रष्टाचार कम हुआ खत्म होने के कगार पर है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, जो कह रहे हैं सही है, अच्छा है, सब सही कह रहे हैं, जो जैसा है। आपका अनुभव क्या है? अनुभव ये है कि कम से कम 100 गुने से ज़्यादा हमारी सरकार जो है वो काम अच्छा कर रही है। एक बुज़ुर्ग हमारी गपशप को सुनकर रुक गए हैं, वो चाहते हैं कि हमारी टीम भी उनसे बातचीत करे। जी आपका नाम? मेरा नाम जमुना प्रसाद। जमुना जी नमस्कार। जमुना जी, पिछली सरकार और इस सरकार में क्या अंतर देख रहे हैं आप? इसमें बहुत फर्क है, उसमें बहुत फर्क है, इसमें दोनों है। इस सरकार सही है, खूब बढ़िया चल रही है। खुशी झलक रही है आपके चेहरे पे? हाँ, खूब बढ़िया है। पहले क्या था, पहले ऐसा क्या था जो? पहले कोई सुनता ना आयो, अब तो सुनवाई खुद हाथ के हाथ होती है। हमें एक टमटम गाड़ी भी दिख रही है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनके टमटम गाड़ी पे चढ़ेंगे और विकास की रफ्तार इसी टमटम गाड़ी से परखने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें सुरक्षा की तो क्या लगता है, पहले ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? पहले से ज़्यादा सुरक्षा महसूस है आपकी? पहले ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं का, जैसे गरीबों को अन्न मिलना, इन सब योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है गाँव वालों को? मिल रहा है। मिल रहा है। अच्छा, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? सही है, अपने टाइम से हम कोई टेंशन ना, मतलब कोई टेंशन नहीं ना, इतनी टेंशन आ गई, मतलब पहले से चिंताएं खत्म हो गई? हाँ, चिंता खत्म है, हमें बेचिंता आ गई। कोई 1 लाख धन लेके आओ, हमारे हाथ पांव तोड़े और लेगो पार करके। और अब क्या होता है? अब तो चोरन परे में, अब तो चोरी हो रही, सब खत्म हो गई। ये बुग्गी तक छिन लई है इसे सत्ता में से, घासी मुद्दी जी छिनी मारगुड़ी भाई, दिन में बताओ। अच्छा, दिन में पहले गुंडा भी? हाँ, दिन में बुगी चीन नहीं। आप अपने इस गांव का सफर कर रहे हैं? चलो चलिए। पहले से आप ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, पहले से ज़्यादा सुरक्षा है ही।
और विकास की रफ्तार भी तेज है। हाँ, रफ्तार सही है, विकास की रफ्तार सही है। हम 79 गांव में हैं, यह गांव 1857 के क्रांति का गवाह रहा है। हमने यहां लोगों से बात की और जानने की कोशिश की, परखने की भी कोशिश की कि विकास की रफ्तार यहां कितनी तेज है। लोग कह रहे हैं कि विकास की रफ्तार यहां बहुत तेज है और ये गांव विकास के लिए हमेशा मुखर रहा है। अब हम चलेंगे झुमके के बाज़ार में, जहाँ कहा जाता है कि बरेली के बाज़ार में झुमका गिरा रहे। हम उस बाज़ार में लोगों से चुनावी गपशप करेंगे। सुरमा के लिए भी बरेली बेहद मशहूर है, उस गली में भी चलेंगे, उस परिवार से भी मिलेंगे जिसका सुरमा देश के कोने कोने में जाता है। चलिए चलते हैं वहाँ। हम इस वक्त बरेली में हैं, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। जी हाँ, इस गाने ने बरेली को देश के कोने कोने में मशहूर कर दिया। इस वक्त हम झुमका तिराहे पे मौजूद हैं, यहाँ लोगों से हम चुनावी गपशप करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को। हम लोगों से बात करें इससे पहले आपको बता दें, ये गाना इतना फेमस था कि इस गाने ने बरेली को देश के लोगों की जुबा पे बरेली बरेली बरेली, देश का हर युवा, हर बुजुर्ग, हर घर में बरेली को लोग जान गए। आइए, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पहले की सरकार और अब की सरकार कैसे कह रहे हैं ये सरकार बेहतर है? गुंडागर्दी खत्म कर दी यूपी की सारी। यूपी में पहले तो हम आ नहीं सकते थे, अब अभी हरियाणा से चल के हम झुमका चौक देखने आ गए जी। यहाँ पर पहले डर लगता था यूपी में आने से। पहले की सरकार और सरकार में क्या अंतर लग रहा है? पहले की सरकार में और इस सरकार में सिर्फ यही है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर हुआ है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, रोड वगैरह के काम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अब से कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर हमारी टीम चुनावी गपशप कर रही है। हम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं बरेली के बाज़ार में, वहाँ कुछ लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे उनका मिजाज क्या कहता है। चुनावी गपशप की टीम बरेली में है, हमने झुमका तिराहे पर लोगों से बात की, अब हम बाज़ार में हैं, यानी बरेली की बाज़ार में है, जिसने बरेली को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। कहते हैं अगर आप बरेली आए और यहाँ की लस्सी का जिक्र नहीं है तो फिर आपका आना बेकार है। चुनावी माहौल है, चुनावी गपशप हम लगातार कर रहे हैं। हम बरेली बाज़ार में एक चौराहे पर मौजूद हैं, यहाँ लोगों की खासा भीड़ है, उनसे करते हैं चुनावी गपशप और जानने की कोशिश करते हैं उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को। इनसे बात करते हैं पहले और जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, किसान जी। हाँ जी, कहते हैं कि लस्सी के लिए बड़ा मशहूर है बरेली। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे, कब से आपकी दुकान? लगभग 60 साल से है। 60 साल से लस्सी का कारोबार। जी जी, ऐसी क्या खूबी है आपके लस्सी में? आप पी के देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगी। दिखा दो भाई, ये देखिए, ये सादा है, ये स्पेशल लस्सी। यहाँ भी दो तरह की लस्सी है, आप देखिए इसमें रबड़ी, केसर, ये रबड़ी है, केसर है, पिस्ता है। निशान जी, अगर विकास की रफ्तार की बात करें और तुलना करें पिछली सरकार और इस सरकार में, क्या अंतर लगता है आपको? बहुत अच्छी है विकास की, जैसे हाईवे बन रहे हैं जिस स्पीड से, जिस उससे तो पहले तो कभी नहीं बने। रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं, लाइट की भी बहुत अच्छी वो सुविधा अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बैठे हैं लोग, बेहतर चुनावी गपशप यहाँ से बेहतर कहीं और नहीं हो सकता है। भांति भांति के लोग आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार अग्रवाल है, मैं व्यापारी हूँ। व्यापार कितना सुलभ और सुगम हुआ है पिछली और अब की सरकार में? आप देख रहे होंगे कि अभी दो दिन पहले ही मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेस हाईवे का जो है उद्घाटन किया है, और जब जब इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते हैं तो व्यापार को पंख लगते हैं, हम लोगों को जाने आने की वो सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इधर से दिल्ली का लिंक मिलता है, उधर तक, उधर प्रयागराज तक जाने की हमें सुविधा प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं, चुनावी माहौल है, क्या लगता है आपको पहले और अब की सरकार में महिलाएं कितना सुरक्षित हैं?
देखिए जमीन आसमान का फर्क कहेंगे हम। पहले करप्शन, महिलाओं का बाहर निकलना, चेन स्नैचिंग, शहदों का भटकना, रेप केसेस, ये सब केसेस इतने बढ़ गए थे कि आम जनता को नॉर्मल रूटीन में काम करना ही बहुत मुश्किल हो गया था। अखबार पढ़ना दुर्भर हो गया था। आज हम अखबार खोलते हैं तो नए नए एक्सप्रेस वेज का उद्घाटन, नए नए मंदिरों का उद्घाटन, कितनी अस्पतालों का। आप मानती है पॉजिटिव खबरों से भरा रहता है जी। बरेली सुरमा के लिए भी बहुत मशहूर है, देश के विदेश के किसी भी कोने में अगर सुरमा कहीं से जाता है तो वो बरेली से ही जाता है। हम उन इलाकों में भी जाएंगे, वहाँ भी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे, उनसे चुनावी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विकास की रफ्तार वहाँ कितनी तेज है। हमने बरेली के बाजार में लोगों से चुनावी चर्चा की। बरेली आए हों और सुरमा की बात ना हो ये बेईमानी हो सकती है। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जो सुरमे के लिए जाना जाता है। यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे, चुनावी गपशप करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को। पिछली सरकार की जगह में क्या अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है। क्या अंतर महसूस कर? पहले लोग सुरक्षित नहीं समझते थे अपने आप को, अब सुरक्षित चल रहे हैं। माताएं बहनें ऐसी चल रही हैं, नॉर्मली चल रही हैं। पहले लोग घरों से निकलने से डरते थे, आज खुलेआम कहीं भी जाएं रात के 1 बजे 2 बजे सुरक्षा बिल्कुल आराम से जाते हैं। हर जगह प्रशासन भी सपोर्ट करता है। पिछली और अब की सरकार में क्या अंतर देखते हैं आप? अंतर बहुत देख रहे हैं, जिस तरीके से विकास कार्य हो रहा है इस सरकार में, बहुत उससे शहर को मतलब जो अब तक जाम का था उससे बड़ा निजात मिला है। बहुत ही सरकार अच्छा कार्य कर रही है और दोबारा सरकार आनी चाहिए। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ सरकार से, सरकार के कार्यों से पूरी तरीके से मतलब। पहले और अब में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? अंतर देखिए आप, जगह जगह सरकारों ने फ्लाई ओवर दे दिए, जगह जगह मतलब जाम की जो व्यवस्था थी वो बढ़िया हो गई है, ट्रैफिक लाइटें लग गई हैं सब जगह, मतलब एक डिसिप्लिन शहर को देखने को मिला है। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है? मिल ही रहा है, सबको मिल रहा है, लेने वाले चाहिए, मिल रहा सबको है, पहुंचेगी तो मिलेगी। यूपी के अंदर सब कुछ खत्म हो गई, शांति अमन चैन है, और क्या चाहिए जनता को? महंगाई तो पहले भी थी, अब भी है, वही रहेगी। हम बरेली के सुरमे के बाजार में खड़े हैं, हमने लोगों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। हमने उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश की।